श्री नैना देवी विधानसभा के ब्रह्मपुखर घागस बाया जुखाला की सड़क पर तीन सीमेंट कंपनी तथा हजारों सैलानियों के वाहन शिमला मनाली तथा धर्मशाला से जुड़ने वाले मुख्य मार्ग के विस्तारीकरण व टू लेन के पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं। 30 साल से ज्यादा समय से बने पुराने जर्जर पुलों को समय पर न बदलने जाने से ग्रामीणों में भी आक्रोश है, जिसके चलते टावर लाइन शोषित जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक पर्यावरणविद व समाजसेवी अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने आम जनता के साथ मिलकर शिमला मटौर हाईवे की अधिसूचना को रद्द करने के खिलाफ केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध जताया। उन्होंने बताया कि अगर जल्द इस अधिसूचना पर उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री के साथ साथ लोकसभा में जाकर निष्क्रिय व लापरवाह लोकसभा सांसदों की शव यात्रा भी निकाली जाएगी। जन समस्याओं को लोकसभा में प्रभावशाली तरीके से उठाने में नाकाम साबित हुए सांसदों के खिलाफ वे हल्ला बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे से चुनाव में वाहवाही लूटने के लिए इस विषय पर खूब झूठे वायदे किए गए। उन्होंने कहा कि इन सब को लेकर केंद्रीय मंत्री द्वारा जो घोषणा की गई थी, अब उसकी अधिसूचना वापस लेने से आम जनमानस के साथ ये सबसे बड़ा धोखा है। रोड है थोड़ा बड़ा किया जाए इसको, रोड को और इस रोड की मेंटेनेंस किया जाए, और जो अधिकारी जो उच्च अधिकारी से यही हम दरखास्त करते, अगर नहीं करते तो इनकी पेमेंटें बंद की जाए, और मंत्रियों की भी और जो अधिकारी है उनकी भी, और रोड से नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे यहाँ से। और हमने प्रशासन को कई बार कंप्लेंट की, प्रशासन ने नहीं कार्रवाई की। जो भी जितने भी मंत्री है उनकी तनख्वाह बंद की जाए, और जितने पद अधिकारी है उनकी तनख्वाह बंद की जाए, और उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए सर। और हमारे को यहाँ से बैठना बहुत मंच के बैनर तले यहाँ पर जुखाला के एपिसोड में राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग के जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका पुतला हमने यहाँ फूका है। वो पुतला हमने इसलिए उनका फूका है क्योंकि उन्होंने हिमाचल की जनता को 2016 में वादा किया था कि हिमाचल के 69 फोर लेन की नोटिफिकेशन उन्होंने जारी की। उस नोटिफिकेशन के तहत शिमला मटौर नेशनल हाईवे भी आता है जो कि शिमला को निचले हिमाचल से जुड़ता है, और सारे जितने भी हमारे जो बड़े अस्पताल हैं वो शिमला में हैं, और सारे लोअर हिमाचल से सभी अस्पतालों के जितने जो मरीज जो रेफर किए जाते हैं वो शिमला की तरफ को इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाया जुखाला होकर निकलते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस सड़क को पीडब्ल्यूडी से एनएच विभाग को दिया था, एनएच विभाग के बाद अब इस सड़क को एनएचएआई के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग के पास 4 साल से ये थी, और 4 साल से इस सड़क को चौड़ा करने की, फोर लेन करने की जो डीपीआर थी उसको बनाने का काम चल रहा था, जो एक प्राइवेट एक और कंसल्टेंट कंपनी को दिया गया था। उसके ऊपर जितना भी सरकारी खर्चा हुआ, अधिकारियों के चलने पर, हिलने पर और यहाँ वहाँ सर्वे करने पर जो भी सर्वे का 4 साल तक का खर्चा आया, वो हम लोगों की जेब से गया हुआ जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो सारा पैसा है। लेकिन वो उन अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी के तहत पिछले कल 10 तारीख को केंद्र सरकार से विभाग ने संभ्याल है, उन्होंने एक एनएचएआई का लेटर जारी किया, उसके तहत उन्होंने शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई से बाहर कर पीडब्ल्यूडी को सौंपे जाने का उसने मेंशन किया है कि पीडब्ल्यूडी इसको देखेगा। पीडब्ल्यूडी हम मांग करते हैं नितिन गडकरी जी का पुतला फूंक कर, नितिन